तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों Redmi Note 7 Pro के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। Snapdragon 675 जो ये फोन आपको देता है 13,999 रुपए में, आप किस तरह की गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात, कैरिंग टेक यानी GT गेमिंग के साथ। Redmi Note 7 Pro में दोस्तों आपको मिलता है Snapdragon 675 का प्रोसेसर एंड इसमें गेमिंग स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स वक्त है इनिशियल टेम्परेचर का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 31 से 32 डिग्री के आसपास बॉडी टेम्परेचर मिल जाएगा फ़ोन के बैक पे। एंड यहाँ पे हम टेली में खेल रहे हैं हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में एंड AC अभी यहाँ नहीं चल रहा है, तो जितने भी टेम्परेचर आप देखेंगे ये एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो पहला गेम दोस्तों हमने यहाँ पे खेला वो ऑफकोर्स है पबजी, एंड पबजी यहाँ पे हमने चलाया था बैलेंस प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर FPS मीटर ऑन है एंड ये FPS मीटर दोस्तों आता है गेम बेंच नामक एक ऐप से। हमने ऑलरेडी ये FPS मीटर कैसे लेकर के आए उस पर वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो के नीचे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो बाद में। बट अभी के लिए दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि गेम प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स कभी कभी यहाँ पे नेटवर्क लैग्स हैं वो तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले अच्छा है, कोई जैसे स्क्रीन रीडिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि भारी है फ़ोन, अगर आप घंटों खेल रहे हो हाथ में पकड़ करके, कोई अगर रेस्ट नहीं आपके यहाँ पे तब थोड़ा सा हैवी हो सकता है फ़ोन बिकॉज ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। बट उसके अलावा अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब पबजी यहाँ पे आप घंटों तक खेल सकते हो। वैसे घंटों की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने इस गेम को 20 मिनट खेला था और टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होने लग गया था, तो मैंने सोचा कि यार लगातार 30-35 मिनट्स का 40 मिनट्स का आपको टेम्परेचर दूंगा। तो उसके बाद डायरेक्टली हमने जो नेक्स्ट गेम खेला है वो है एसफॉल्ट। तो एसफॉल्ट यहाँ पे दोस्तों एसफॉल्ट 9 खेला गया है एंड ये आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से इस फोन पे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने हाईएस्ट सेटिंग्स में गेम चलाया है एंड वहाँ पे जो FPS मुझे देखने को मिली थी वो थी लगभग मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 FPS। यहाँ तक कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स स्क्रीन पे होते थे तो 10 FPS तक यहाँ पे फ्रेम्स गिर रहे थे एंड सीरियसली आप लैग देख सकते हो कि भाई गेम जेन्युइनली लैग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है हाईएस्ट सेटिंग्स में शायद ऐसा हो रहा होगा। मीडियम सेटिंग्स में हमने वापस से गेम को रिस्टार्ट किया तो वहाँ पे भी गेम्स में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था। हाईएस्ट जो FPS था वो गया था 25, बट स्टिल वहाँ पे भी 15 FPS तक ड्रॉप गया था। तो ये शायद या तो डिवाइस गर्म होने लग गया था बिकॉज ऑलरेडी 38-39 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका था, या फिर एसफॉल्ट में कुछ इश्यूज आ रखे होंगे Redmi Note 7 Pro को लेकर के, बिकॉज हमने ऑलरेडी Vivo V15 Pro का गेमिंग रिव्यू देख रखा है, एसफॉल्ट में इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो फिर ये पता लगाने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलर गेम का इशू है या फिर जेन्युइनली फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया, तो हमने एक नेक्स्ट गेम खेला जिसका नाम था रियल रेस 3। एंड रियल रेस 3 दोस्तों यहाँ पे बिना किसी इशू के चला है। ऑफकोर्स ग्राफिक्स यहाँ पे थोड़े से कम है एसफॉल्ट से, बट जो फ्रेम्स हैं वो आराम से 35-40 FPS आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो कहीं कहीं जगह तो FPS और भी ज़्यादा जा रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि शायद एसफॉल्ट का जो FPS है वो 30 तक लिमिटेड है तो कोई प्रॉब्लम है, बट अगेन अगर आप दूसरे गेम से कंपेयर करो जैसे कि पबजी है, रियल रेस 3 है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इस फोन के बेंचमार्क स्कोर्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे अगर आप एक 13,999 वाले फ़ोन से कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप फाइनल टेम्परेचर रीडिंग पे अगर नज़र डालो तो वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, लगभग 41 डिग्री तक दोस्तों यहाँ पे टच कर गया था कहीं कहीं जगहों पे, 40 डिग्री 39 डिग्री तो आम बात थी अगर आप पीछे बैक पैनल पे देखें तो। ऑलरेडी जैसा मैंने बताया Vivo V15 Pro में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, बट वहाँ पे चूँकि मतलब प्लास्टिक बॉडी है तो शायद वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं गया, 38 दोस्तों वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर गया था। तो वो अगर आपको Redmi Note 7 Pro में मिलता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। इसी के साथ साथ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बैटरी दोस्तों आपकी अच्छी खासी यहाँ पे लगभग सिर्फ 10% का ड्रेन था एक घंटे मतलब 40 मिनट्स के गेम प्ले के बाद। तो हीटिंग असाइड अगर आप यहाँ पे घंटों मिक्स्ड गेम प्ले खेलना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आपके क्या ख्याल है दोस्तों इस फ़ोन के बारे में, मैं कमेंट्स में ज़रूर सुनना चाहूँगा कि क्या 13,999 में आप इस फ़ोन को खरीदोगे गेम प्ले के लिए, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर देना, हमारे चैनल GT गेमिंग को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतने, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हैं। गुड बाय।